किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQ इंडिया पर फिर से एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूँ। आज की स्टोरी का शीर्षक है खुद पर विश्वास। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए देखते हैं ये नई मोटिवेशनल स्टोरी। अमेरिका की बात है, एक युवक को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा, उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया, तमाम जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी, दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। जाहिर है वह बहुत हताश था, कहीं से कोई राह नहीं सूझ रही थी, आशा की कोई किरण दिखाई न दे रही थी। एक दिन वह एक पार्क में बैठा अपनी परिस्थितियों पर चिंता कर रहा था कि तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। कपड़ों से और चेहरे से वह काफी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, मेरा नाम केडी फेरर है, मैं तुम्हें नहीं जानता पर तुम मुझे सच्चे और ईमानदार लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें $10 लाख का कर्ज देने को तैयार हूं। फिर जेब से चेकबुक निकालकर उन्होंने रकम दर्ज की और उस व्यक्ति को देते हुए बोले, नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम ठीक इसी जगह मिलेंगे, तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वो चले गए। युवक शॉक्ड था। केडी फेरर तब यूएसए के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। युवक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग सारी मुश्किल हल हो गई, उसके पैरों को पंख लग गए। घर पहुंचकर वह अपने कर्जों का हिसाब लगाने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में $10 लाख बहुत बड़ी धनराशि होती थी और आज भी है। अचानक उसके मन में ख्याल आया। उसने सोचा कि एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझ पे भरोसा किया पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूं। यह ख्याल आते ही उसने चेक को संभाल कर रख लिया। उसने निश्चय कर लिया कि पहले वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, पूरी मेहनत करेगा कि इस मुश्किल से निकल जाए। उसके बाद भी अगर कोई चारा ना बचे तो वो चेक यूज करेंगे। उस दिन के बाद युवक ने खुद को झोंक दिया। बस एक ही धुन थी, किसी तरह सारे कर्ज चुकाकर अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पाना है। उसकी कोशिश रंग लाने लगी, कारोबार उभरने लगा, कर्ज चुकने लगा। साल भर बाद तो वो पहले से भी अच्छी स्थिति में था। निर्धारित दिन ठीक समय वह बगीचे में पहुंच गया। वह चेक लेकर केडी फेरर की राह देख रहा था कि वे दूर से आते दिखे। जब वे पास पहुंचे तो युवक ने बड़ी श्रद्धा से उनका अभिनंदन अभिवादन किया। उनकी ओर चेक बढ़ाकर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही था कि एक नर्स भागते हुए आई और झपट्टा मारकर वृद्ध को पकड़ लिया। युवक हैरान रह गया। नर्स बोली, यह पागल बार बार पागलखाने से भाग जाता है और लोगों को केडी फेरर के रूप में चेक बांटता फिरता है। अब वह युवक पहले से भी ज्यादा हैरान रह गया। जिस चेक के बल पर उसने अपना पूरा डूबता कारोबार फिर से खड़ा किया, वह फर्जी था। दोस्तों, पर यह बात जरूर साबित हुई कि वास्तविक जीत हमारे इरादे और हौसले प्रयास में ही होती है। हम सभी यदि खुद पर विश्वास रखें तो यकीनन किसी भी समस्या या सिचुएशन से निपट सकते हैं। यदि ये 5 यश आपके अंदर आ गए तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ मैनेजिंग। तो दोस्तों, खुद पर विश्वास, देखिए आपने कैसे इस स्टोरी के माध्यम से देखा और उसने अपनी सफलता को प्राप्त किया। तो प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में और कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स कीजिए। नई नई मोटिवेशनल स्टोरी के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।